तो कक्षा पाँच में हम प्रीपोजिशन के वाक्य, छोटे छोटे वाक्य देख रहे थे कि प्रीपोजिशन कैसे प्रयोग करना। हमने एक तो इन कर लिया, इनका प्रयोग मैं के लिए, अंदर के लिए, स्थिर अवस्था में हो, कोई चीज़ किसी के अंदर हो तो इनका प्रयोग करना है। वर्ष के नाम से पहले इनका प्रयोग करना है, वहाँ इन लगाना है। उसके बाद हमने इनटू किया, इनटू का प्रयोग अंदर के लिए होगा लेकिन गतिशील अवस्था में होगा, यानी बाहर से कोई अंदर आ रहा है या ऊपर से नीचे कूद रहा है तो वो गतिशील अवस्था में हो गया, वहाँ हम इनटू का प्रयोग करेंगे। और रूप परिवर्तन में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। तो इन इनटू किया, एक ऑन किया, ऑन का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो और स्पर्श करती हो, यानी छूती हो, स्पर्श करती हो सतह पर, तब अपने को किसका प्रयोग करना है, ऑन का। वैसे तो पंखा भी अपने ऊपर है लेकिन वो स्पर्श नहीं कर रहा है, लेकिन टेबल के ऊपर अगर किताब पड़ी है तो वो क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो वहाँ जो टेबल के ऊपर जो किताब पड़ी है या आप कुर्सी के ऊपर बैठे हो तो आप स्पर्श कर रहे हो, वहाँ किसका प्रयोग करना है, ऑन का प्रयोग करना है, ठीक है। और इनका प्रयोग स्थान के पहले भी करते हैं, तीनों हमने कर लिए। आज देखते हैं एक और प्रयोग एट का, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग। ये भी प्रीपोजिशन है जिसका प्रयोग अधिकांश आपने देखा होगा, वाक्य पढ़ते थे पता लगेगा एट का प्रयोग कब करते हैं। एट का प्रयोग एक तो बताता है निकटता, निकटता के लिए, एक बताता है घड़ी के समय के साथ, यानी निकटता बताना हो किसकी किसकी तो एट का प्रयोग करेंगे। घड़ी का समय बताना हो 5 बजे 4 बजे वो एट बताएगा। और छोटे स्थानों के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। यानी एट का प्रयोग एक तो किसी से निकटता बताता है, घड़ी का समय बताता है, छोटे स्थानों के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, एट का प्रयोग किया जाएगा। इनके साथ किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। या ध्यान केंद्रित कराना हो भी किसका प्रयोग किया जाता है, एट का प्रयोग किया जाता है, एट का प्रयोग किया जाता है। निकटता, घड़ी का समय, छोटे स्थानों के लिए या ध्यान केंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एट का प्रयोग किया जाता है। वाक्य देखें, जैसे लुक द ब्लैक बोर्ड, क्या लिखा है, जब आप क्लास में पढ़ते होते हैं तो आपको कहा जाता है कि ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, यानी कि हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि किसकी तरफ देखो, ब्लैक बोर्ड की तरफ ले जाओ, आपका ध्यान ले जा रहे हैं, ध्यान केंद्रित करा रहे हैं कि किसकी तरफ देखो, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। तो हम कहते हैं लुक एट द ब्लैक बोर्ड, क्या लिखते हैं, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। The beggar is standing the gate. भिखारी जो है, beggar मैंने भिखारी हो गया, standing मैंने खड़ा है, the gate दरवाजे पर, यानी भिखारी कहाँ खड़ा है, दरवाजे के निकट खड़ा है, निकटता बता रहा है। तो निकटता बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। निकटता बताने के लिए किसका प्रयोग करना है, हेड का प्रयोग करना है। तो ध्यान केंद्रित करवाने के लिए, निकटता बताने के लिए किसका प्रयोग करना है, हेड का प्रयोग करना है। और हमने कहा छोटे स्थानों के लिए, जैसे आपको आई लिव बीकानेर,
राजस्थान। मैं बीकानेर में रहता हूँ, जो बीकानेर किसके अंदर आता है, राजस्थान राज्य के अंदर आता है। तो ये स्टेट हो गया और ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये जिला और ये राज्य है। तो बड़ा क्षेत्र राज्य हो गया, छोटा क्षेत्र कौन सा हो गया, जिला हो गया। इन दो मीनिंग्स में कह रहा हूँ, बड़ा राज्य हो गया, उसके नीचे छोटा क्या हो गया, जिला हो गया। तो हमने कहा छोटे स्थानों के लिए जब दो वाक्य पूछे तो बड़ा तो राजस्थान हो गया, बड़े स्थानों के साथ इनका प्रयोग करना है और छोटे स्थानों के साथ किसका प्रयोग करना है, एट का प्रयोग करना है। तो आई लिव एट बीकानेर इन राजस्थान, में राजस्थान में बीकानेर है उसमें रहता हूँ। तो जो छोटा स्थान है वहाँ पर किसका प्रयोग करना है, एट का प्रयोग करना है। बड़ा स्थान है वहाँ किसका प्रयोग करना है, इनका प्रयोग करना है। वह स्कूल जाता है, साढ़े सात बजे वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल 7:30 AM। यानी ये 7:30 है ना, ये क्या है, घड़ी का समय है। ये 7:30 क्या है, घड़ी का समय है। घड़ी का समय अगर बताते हैं तो वहाँ पर किसका प्रयोग करना है, एट का प्रयोग करना है। तो निकटता, घड़ी के समय के साथ छोटे स्थानों के लिए या ध्यान केंद्रित करने के लिए, इन सब के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। तो घड़ी के समय के साथ, हम निश्चित घड़ी का समय दिया हो चाहे कोई भी दिया हो, उसके साथ अपने को कौन सा लगाना है, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करना है। ये प्रीपोजिशन एट को बताएगा। तो एक और हो गया इन, इन टू, ऑन, उसके बाद एट भी हो गया। आप इनको लिखें और समझें।